नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईएस एग्जाम स्टडी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मई 2020 में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF कहाँ आयोजित किया जाएगा? चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2020 में गूगल ने भारत में अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र कहाँ घोषित किया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में नई दिल्ली में चौथे टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स TOIS से 2019 में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? पीवी सिंधु को। नेक्स्ट, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का अंतिम चरण कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक समिति के सदस्य की मेजबानी करने के लिए कौन सा सर निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में नमस्ते ओरछा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय काव्य महोत्सव कहाँ से शुरू हुआ? काव्य महोत्सव कोलकाता से शुरू हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। नेक्स्ट, मार्च 2020 में चाप चर कूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मार्च 2020 में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की? जम्मू और कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में सरकार ने एक महीने के लिए किस बैंक के जमाकर्ताओं के लिए 50,000 रुपये की निकासी सीमा लगाई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यस बैंक। मार्च 2020 में पेप्सिको के सबसे कम उम्र के ब्रांड प्रचारक के रूप में किसे हस्ताक्षर किया गया? शेफाली वर्मा को। इसका आंसर है ऑप्शन डी, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2020 को महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ फोर्ड इंडिया के संयुक्त उद्यम के सीईओ के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कौन तैयार है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग मल्होत्रा, मे रोत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में किसने नई दिल्ली में क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस नामक पुस्तक जारी की? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट, मार्च 2020 में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन सत्र को कौन संबोधित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 500 T20 मैच खेलने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने? किरोन पोलार्ड। इसका आंसर है ऑप्शन ए, किरोन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय से 4 बैंक बनाने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने मेधावी कलाकारों को 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया? 15। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय नौसेना में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हाल ही में किस बहुराष्ट्र मेगा नौसैनिक अभ्यास को टाल दिया है? मिलन 2020 को। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिलन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में वर्ष 2023 में भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर्स मीटिंग का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? लक्समबर्ग। इसका आंसर है ऑप्शन ए लक्समबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गेंदबाज रणजी ट्रॉफी के एक सौजन रणजी ट्रॉफी के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी जयदेव उनादकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें 8.65% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 8.50%। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कितने श्रेष्ठ कलाकारों को राष्ट्रपति ने 61वें वार्षिक ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 श्रेष्ठ कलाकारों को। नेक्स्ट, देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे और दुनिया भर के टॉप 50 इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल हुए हैं? आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 12 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 12 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली सरकार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।